जी तो ये बकरा है, ये घास है, इसकी पार्टी हो रही है, खाओ भाई, आखिरी लम्हात है, खाओ ना, खाओ खाओ, शाबाश खाओ। मान रहे मान रहे, ये नहीं खाएगा तो फिर हमारी पार्टी कैसी होगी, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे भी ज़बह होगा, तो फिर इसके बाद हमारी पार्टी होगी। इसको बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि एक और अंदर ज़बह हो रहा है, और उसके सामने जो है ना हम इसको नहीं खड़ा कर सकते ताकि जो है इसको तकलीफ ना हो। आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ठीक है, और बाकी जो है ना ये हमारे साथ रहिएगा, हम आपको और भी जो भी स्टोरीज वगैरह होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को जो है ना इन्जॉय कीजिए। चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हें पूरे मोहल्ले की सैर कराऊँ, मोहल्ले की बकरियाँ दिखाऊँ तुम्हें। वैसे भी आज आपका आखिरी दिन है, उसके बाद आपने फिर चले जाना है दुबई। सारे इधर खड़े हो जाओ, पता चले कि बच्चे कटे हुए थे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। ये जी देखिए, हमारा बकरा देखने आए हैं मोहल्ले के पूरे बच्चे, और अभी इसके आखिरी लम्हात है, और आपको जो है फिर दिखाते हैं। और क्लिप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, बस बंद करो। देख सकते हैं कि जैसे आपको पहले बकरा दिखाया था, सारे बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती इकट्ठा किया था, मतलब मजाक कर रहा हूँ, सब बच्चे जो है ना हमारा बकरा देखने आए थे, और मेरा कैमरामैन जो है वो मैं क्लिप ले रहा था, शूट ले रहा था, मैंने कहा कि आप इसको रिकॉर्ड करो, तो उसने क्या किया कि उसने मेरी तस्वीर ले ली। मैंने कहा यार ये जो मैं ये मेरा कैमरा मैन मेरे साथ खड़ा है, ये छोटा कैमरा मैन देखे अभी हंस रहा है। मैं तो कही जो गलती से मैं इतना भाषण सुना रहा हूँ, वो कहाँ गया, कहते हैं कि वो एक पिक्चर में बंद हो गया, तो वो पिक्चर जो है ना, मैंने कहा इस पिक्चर का मैं क्या करूँ। अभी जो है ना वो जो बकरा था वो हम आपको दिखाएं कि अभी हमने इसको लटा दिया, और अभी हम इसको गायें की तरह उसमें इसकी चमड़ी उतार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी इधर लटकाने वाली जगह नहीं है, एक ही जगह है, उसके साथ दूसरा जो है ना वो बकरा हमने उसको उसको हैंग किया हुआ है, हैंग, हाँ हैंग, हैंगर में नहीं वैसे हैंग किया हुआ है। हेलो, तो अभी जो है ना हम खाना वगैरह हमने खा लिया है, और कुर्बानी से हम फ्री हो गए हैं, जो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो जानवर वगैरह लिए थे उनकी हमने कुर्बानी कर ली है, और तकरीबन 4 बजे का हमने खाना भी खा लिया है। अभी जो है ना घर आए हैं वापस, क्योंकि जो पहले दो बकरे थे वो हमने यहाँ पर ज़बह किए थे, फिर जो बाकी दो बकरे थे वो हमने वो भाई के घर चले गए थे, वहाँ पे हमने ज़बह किए, तो अभी वहाँ से जो है ना आए हैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और जो नए कपड़े हैं ईद के वो पहनेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर हम कहीं निकलेंगे घूमने के लिए बाहर, तो आपको जो है इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि अच्छी सी अच्छी जगह पर जाएँ, और आपको जो है ना अच्छे से अच्छा व्यू जो है ना वो दिखा सकें। फाइनली जो है ना तैयार हो गए हैं अभी फ्रेश हो के, और अभी कुछ दोस्त हैं, कुछ दूर के जो है ना हमारे हमसाए हैं, उनको जो है ना अभी गोश्त दे के आते हैं, क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद ईद पे यही सिलसिला, जैसा कि आपको पता है कि ये सिलसिला जो है ना चलता रहता है। और अभी एक दोस्त है, उसके उसका नाना अब फोत हो चुका था, और उसकी दवा के लिए भी अभी हमने जाना है, तो फिर देखते हैं कि कहीं निकलते हैं कि नहीं। यार कुछ सीन इस तरह है कि अभी हम रास्ते पर जा रहे हैं बाइक पर, साथ पीछे मेरा एक बहुत पुराना लंगोटी है दोस्त बैठा हुआ है, तो इस टाइम तो हम गोश्त जो है ना बांट रहे हैं, और यकीन करो लोग जो है ना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्कों की तरफ जा रहे हैं, और हम जो है ना इधर गली पे गली घूम रहे हैं, और हमारा भी मूड बन गया है पार्क जाने का। कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ जो है ना दुआ शो करते हैं, फिर उसके बाद पार्क में हम भी जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि पार्क में क्या सीन है और पार्क में क्या हो रहा है। आपको मेरी वीडियो ज़रा काली आ रही होगी क्योंकि बैक साइड से धूप लग रही है, सामने से जो है ना रोशनी आ रही है, तो इस वजह से देखते हैं फिर हम पार्क में, ठीक है जी। तो हम कब्रिस्तान आ गए हैं अभी, और यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं अपने प्यारों के साथ ईद मनाने, आप कह लें उनको याद करते हैं, तो इस खुशी के मौके पर भी वो जो है ना अपने प्यारों को भूलते नहीं हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और दुआओं में भी याद रखते हैं, यहाँ पर आके जो है ना फातिहानी करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए, और ईद जो है ना उनके साथ ईद के कुछ लम्हात उनके साथ जो है ना यहाँ पर गुजार लेते हैं, तो यही ज़िंदगी है, देख लें एक ना एक दिन यहाँ पर सब ने आना है। ये एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई है
जिससे कोई भी इंसान का इनकार नहीं कर सकता। जी तो आप लोगों ने देखा कब्रिस्तान कभी। जी तो अब यहाँ से जो है ना हम बस कुछ टाइम बाद जो है ना फ्री हो जाएंगे, फिर देखते हैं। थोड़ा सा ये छोटा आया हुआ है हमारा मेहमान है, एक किस्म का दोस्त है, उसका कज़न है, काफ़ी दूर से आया हुआ है। तो कह रहा था कि मैंने पार्क जाना है, मैंने पार्क नहीं देखा है, तो अभी इसको जो है ना पार्क इसको दिखाते हैं। देखें हम आ गए हैं दर्जन के पार्क। हमारा छोटा किधर गया यार? वो छोटू किधर गया? इधर आ यार, इधर। ये हमारा छोटा आया है। अब इन्होंने जाना कहते हैं कि यार नहीं जाने देते, यारा गुजारा कर। जी ये अभी जो है ना हमें जाने दे दिए अंदर। ये छोटू है तो उसने कहा कि वैसे तो जो है ना हम अंदर नहीं जाने देते, लेकिन आप इस तरह करो, बाकी मेरे दोस्त जो है ना वो पीछे खड़े हैं, ठीक है, उनको अंदर आने नहीं दिया। और इसको जो है ना अभी मैं यहाँ पार्क घुमाने लेके आया हूँ, इसको यहाँ पर घुमाते हैं। बहुत दूर से आया, कहता है मैं स्पेशल मैंने पार्क देखना। कोई ख़ास पार्क है नहीं यार, लेकिन बस ये है कि अस्सलाम वालेकुम खैरियत है। तो यहाँ पर दोस्त अभी खड़े थे, तो वो कह रहे थे कि दूसरे रास्ते से मत जाओ, ये शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है। और अभी इस छोटे को हम पार्क में घुमाते हैं, फिर इससे जो है ना पूछते हैं कि हाँ भाई आपको कैसा लगा ये पार्क हमारा छोटा सा। इतना बड़ा नहीं है पार्क, छोटा सा ही है, लेकिन ज़िद कर रहा था कि मुझे पार्क लेके चलो और मैंने ये पार्क देखना है। हाँ छोटे सही है अब? हाँ पहले तो वो कह रहे थे कि आप नहीं अंदर जा सकते। हाँ हाँ भेज दिए। चलो अब हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर देखते हैं कि इसको ये पार्क कैसा लगता है, ठीक है। ये अभी हम पार्क के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे हमारा एक दोस्त है, ये पार्क में होता है, पार्क इंतज़ामिया में। मैंने कहा यार ये अभी लोग आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि उसको फ़ोन करें ताकि जो है ना वो हमारे जो लड़के हैं उनको भी जो है ना आने दें। तो बाकी जो है ना अब इस छोटे को घुमाते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त का कज़न है और साथ उसका छोटा भाई भी आया हुआ। मैंने कहा मैं इसको खेले घुमाऊँगा तो ऐसे ही ये बोर हो जाएगा, तो अब देखते हैं वो उसको आने देते हैं तो फिर जो है ना। जी क्या कहता है? चलो जी बस अच्छा गुड हो गया, अभी वो आ रहे हैं और हम जो है ना इसको साथ अभी इधर घुमाते हैं और वो भी आ जाएंगे तो बस बेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारे यो हमारे जवान आ रहे हैं, ये देखें। अब देखते हैं इनमें से कुछ को छोड़ते हैं और कुछ को नहीं, क्योंकि ये अलाउ नहीं है यहाँ पर। जवान ऊपर जा रहा है और वो देखें जी, वो देखें अभी वो वहाँ से आएगा। ये यहाँ से ये आ गया कैसा लगा? अभी ये जा रहा है ऊपर, देखें गिरना नहीं है। अच्छा गिरना नहीं है, चलो ये अभी हमारा गबरू जवान जो है ये लाइन में लग गया है। आ जाओ आ जाओ। और ये अभी देखें, देखो 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 आराम से। अच्छा फिर जाने जाओ, दोबारा जाओ।
बच्चे हैं, बच्चों की ईद बनी हुई है, फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आपको अभी पूरा पार्क हमने घूम लिया है और बच्चे को गर्मी लग गई है, कहते हैं कि अब मैंने जो है ना कुछ खाना पीना है। अब इसने जो है ना बोतल ले ली है, मैंने कहा चलो देख लो जो आपने लेना है। अब इससे पूछते हैं कि इसको पार्क कैसा लगा है। हाँ छोटे बताओ पार्क कैसा लगा है। अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा कहाँ से आए इतनी दूर से। बोलो, ये शर्मा रहा है बच्चा। और अच्छा नाम क्या है। अयान। अयान मेरे भतीजे का भी नाम है। अच्छा अयान अहमद और अवैस, माशाल्लाह जी इसका नाम भी अयान है और मेरे भतीजे का नाम भी अयान है। एक दूसरा मेरा भांजा है उसका नाम अरियान है। तो आप लोग की तरफ पार्क वगैरह नहीं है क्या। पार्क नहीं है आप लोग की तरफ गांव में। अच्छा तो लेट आ गए हैं हम असल में, वरना थोड़ी सी अगर जल्दी आ जाते तो हम इसको जो है ना फिर ज़्यादा ही इंजॉय कराते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज की जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट भी करना है और बेल का बटन भी ज़रूर दबाना है। बेल का बटन कैसे दबाना है। टंग ऐसे प्रेस करना है ना, दबाना है, ताकि जो है ना आने वाली नई वीडियोज़ जो है ना आपके पास पहुँचती रहे। ये मेरा लंगोटिया यार है और इसको भी जो है ना काफ़ी बोलने की आदत है, तो देखा आपने बीच में बोले। बहरहाल तो बस आज की वीडियो जो है ना यहाँ पर थी। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।